कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। संस्कारधानी जबलपुर से शुरू हो चुका है साहित्य का नया चैनल डायनेमिक संवाद टीवी। आप भी आइए, जुड़िए हमारे साथ, अपनी रचनाएं हम तक पहुंचाइए, ताकि आप भी विश्व के साहित्य पटल पर उभर सके। आखिरी में केवल इतना कि कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। नमस्कार मित्रों, मैं अनुराधा कुमारी सिंघनु आप सभी के बीच उपस्थित हूँ अपने रचनाओं के साथ। एक मनहरण घना छरी छंद है, सुनिएगा। मनो में विचार कर, भाव का संचार कर, बेटियों का मानो व सम्मान होना चाहिए। जब जब गीतिकाया काव छंद लिखे कोई, बेटियों की कीर्ति का बखान होना चाहिए। जब जब बातें उठे बेटियों के शौर्य पे, तो रानी लक्ष्मी बाई का भी गान होना चाहिए। गारिगिया पाला रहे पद्मिनी सी ज्वाला रहे, गारिगिया पाला रहे पद्मिनी सी ज्वाला रहे, फिर से वो मेरा हिंदुस्तान होना चाहिए। फिर से वो मेरा हिंदुस्तान होना चाहिए। फिर से वो मेरा हिंदुस्तान होना चाहिए। अब मैं अपनी एक सिंगारिक रचना, एक मुक्तक आप सबों के बीच रखती हूँ, सुनिएगा। अब तो खामोश ही जीने का इरादा है मेरा, अब तो खामोश ही जीने का इरादा है मेरा। बिन तेरे जीक दिखा दूंगी ये वादा है मेरा, बिन तेरे जीक दिखा दूंगी ये वादा है मेरा। मेरे नज़मों को पढ़ के दर्द कैसे आँकोगे, मेरे नज़मों को पढ़ के दर्द कैसे आँकोगे। दर्द इस सीने में नज़मों से भी ज़्यादा है, दर्द इस सीने में नज़मों से भी ज़्यादा है मेरा, दर्द इस सीने में नज़मों से भी ज़्यादा है मेरा। पुनः आप सभी को नमन करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, जय बच्चा। मैं आराध्या तिवारी पीएम अपने दैनिक संपत टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें कहानी, कविता और राजनीति के नाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोशिश हमें यही तोड़ेंगे मन को, जय रखेंगे संपत।